वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम बनाएंगे हॉट चॉकलेट। जैसी मार्केट में हॉट चॉकलेट मिलती है, सेम वैसी ही घर पे बनाना बहुत ही इजी है और इसे बनाने में सिर्फ 5 से 7 ही मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 500 फुल फैट मिल्क को एक बर्तन में गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध गर्म हो चुका है, इसे एक बार मिक्स कर ले। इस टाइम पे अब हम इसमें एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। इससे हॉट चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। दूध उबलने लगा है। दालचीनी ऐड करने के बाद मैंने इस मिल्क को 2 मिनट बॉईल कर लिया है। अब दालचीनी का टुकड़ा हम निकाल लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून या अपने स्वाद अनुसार चीनी ऐड करें। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे। आपको अगर कोको पाउडर का टेस्ट ज्यादा पसंद है तो 3 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसे बॉईल होने दे। 2 मिनट के बाद इसमें 50 ग्राम डार्क चॉकलेट मैंने ली है। मैंने मोर्डे का डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो आता है वही यूज किया है। थोड़ा सा चुटकी भर नमक इसमें ऐड करेंगे। अब चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब तक हमें दूध को उबाल लेना है। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। दूध को मैंने टोटल 5 से 7 मिनट उबाल लिया है। गैस बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करें और मिक्स कर ले। हॉट चॉकलेट को अब हम सर्व करेंगे। अब ये हॉट चॉकलेट सर्विंग के लिए रेडी है। अभी हमने जो मेजरमेंट लिया उससे 2 बड़े ग्लास हॉट चॉकलेट बनकर रेडी होती है। तो एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।